कुदरती है गाइस, कुदरती दिल निकला है देखो, तो इसका भी आलू चिप्स से बना देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमने व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था दोस्तों, एक के बाद एक काम आते गए, एक के बाद एक काम आते गया तो मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर कुछ बन रहा है और वो बन रहा है आलू चिप्स से बना रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। गाइस ये देखो, ये बन रही है आलू चिप्स। ये आलू के छिलके निकाल दिए, देखो इसमें पानी में डाल दिए हैं और ये छील रहे हैं। इधर तो ये क्या है? ये फिटकड़ी का पानी। गाइस ये फिटकड़ी का पानी है, इसमें ये भिगो रहे हैं। ये रात भर भिगेंगे? हाँ रात भर भिगेंगे, तो सुबह से फिर वापस से सुबह से उबालना पड़ेगा। उबालना पड़ेंगे तो इस तरीके से आलू चिप्स बन रहे हैं दोस्तों। ये तो अभी रमजान महीना चल रहा है ना, तो डेली कुछ ना कुछ लगता है, तो ये आलू चिप्स घर पे ही बना रहे हैं। पहली बार बना रहे क्यों? कि पहले बनाए थे? बनाए थे ना पहले बनाए थे। देखो ये दिल। और गैस देखो, ये आलू का जो है कि दिल बनाया है कि आफरती ऐसा निकला है? कुदरती है गाइस, कुदरती दिल निकला है देखो, तो इसका भी आलू चिप्स से बना देंगे। इसकी दिल वाली बना गाइस, आलू की भी गाइस, दिल की भी आलू चिप्स से बना देंगे। ये देखो, तो इस तरीके से दिल के जख्म हजार कर दिए इन्होंने। देखो दिल वाली बनी है गाइस, ये देखो सही में भी ये आलू चिप्स जो है दिल वाली बनी है। अब ये मार्केट में अगर बेचेंगे तो बहुत ज्यादा कीमत में बिकेगी, है ना? मैं भी इसको भिगा देता हूँ। इधर ये छील रहे हैं। तो गाइस इनका काम तो बहुत देर तक चलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये ऐसा जो है कि भूत बन गया है और भूत बच्चों को डरा रहा है। सनाया गाइस ये देखो भूत को पकड़ लिया है, ये तेखाना का भूत। आफिया बाहर चले गई, तो कुछ इस तरीके से मस्ती करते हैं। देखो ओके, वो क्या कर रहा है, भूत का लुक दे दिया है। उतार दो अब सनाया पे नहीं। तो भाई इस तरीके से बच्चे मस्ती करा करते हैं, टाइम पास हो जाता है बच्चों का और हमारा भी। बस 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 चलो चलो, हो गई मस्ती, हो गई बस बस। ए उसका दम घुटाएगा भी, चलो बंद करो बस, अब इसको यहाँ रख दो। और एक खेल और खेलते, कैसा खेलते हैं? ये इस तरीके से कुछ रेलगाड़ी बना दी है। तो गाइस देखा आपने कि बच्चे किस तरीके से मस्ती कर रहे थे, और यही बच्चों का जीवन है दोस्तों। और बच्चे निडर होकर मस्ती करते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता उनको। और जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे फिक्र आती जाती है, जिम्मेदारी आती जाती है और प्रॉब्लम से भी खड़े होते जाती है। हो सके बचपन में मस्ती कर सकते हैं लेकिन बड़े होकर नहीं हो सकता दोस्तों। एंड गाइस बच्चे एक काम और कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो अधिकतर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों बच्चे, कि ये जो बॉटल है ना, कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल है, इसको धूप में ले जा रहे हैं इस तरीके से कुछ, और इसमें मक्का मदीना और काबा देखने की कोशिश कर रहे हैं।
और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे दोस्तों, काबा शरीफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, मदीना मस्जिद देखने की कोशिश कर रहे हैं और मदीना मस्जिद की जो गुम्बचे है ना वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहे हैं, तो आपने कमेंट करके बताना कि ये सच है या गलत है, क्या माजरा है, क्या मामला है। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है दोस्तों, तो बच्चों को भी मैंने मना किया है कि बेटा इस तरीके से कुछ नहीं होता है। तो गाइस इस विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ मैं आपसे और आपकी भी राय लेना चाहता हूँ। इस्लाम क्या है कि किसी चमत्कार का मोहताज नहीं है दोस्तों, और इस्लाम में एक चमत्कार है वो है कुरान पाक, सबसे बड़ा चमत्कार वही है और उससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों। तो उसी को अच्छे से पढ़ ले और उस पर अमल कर ले तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती। और इस्लाम ही नहीं दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म है उसमें गीता है और ईसाई धर्म है उसमें बाइबिल है, तो ये सभी किताबों में जो लिखा है वही सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे प्यारी चीज़ है। और कोई सा भी धर्म दोस्तों गलत चीज़ें नहीं सिखाता है, भाईचारा सिखाता है और ईमानदारी सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है, समाज में रहने का तरीका सिखाता है। तो किसी भी धर्म को किसी भी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है कि चमत्कार दिखाएंगे तो ही लोग मानेंगे, सभी धर्मों को मानने वाले बहुत है। और मामला धर्म का नहीं है, मामला दोस्तों ईमान का है। अगर ईमान सही हो तो किसी धर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ईमान गलत हो तो फिर कितना भी मतलब धार्मिक इंसान बन जाए कोई मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों। और गाइस हो सकता है किसी को काबा शरीफ दिखा हो या किसी मस्जिद की गुम्बज दिखी हो, लेकिन ये सब अधिकतर लोगों का मानना ये है दोस्तों कि अफवाह है, और ये कंपनी की भी कुछ हो सकती है बात कि जो ये बना रही है कोल्ड ड्रिंक्स, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ करा हो कि ये चीज़ दिखे सूरज की रोशनी में। तो ये एक नॉर्मल बात है दोस्तों, उसको इतना फैलाने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। इस विषय में मैं आपकी भी राय लेना चाहता हूँ, कमेंट करके ये बताएं कि ये जो मामला चल रहा है बोटले में लोग गुम्बजे देख रहे हैं, मस्जिदें देख रहे हैं, तो ये क्या सही है या गलत है, ये आप कमेंट करके बताएं। हमको तो इतनी कई जानकारी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही थी तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो मैं भी बना लेता हूँ, इस वीडियो का एंड भी कर देता हूँ, ज़्यादा व्लॉग को बड़ा नहीं करता हूँ। आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट।